बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हैं और जिसके मुताबिक अब एकदम से बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने स्वागत किया। देर आयत दुरुस्त आयत का जो फार्मूला है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लागू होता है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कुंदरकी जिला मुरादाबाद से एक लंबा सफर तय करके रामपुर पहुंचे और उन्होंने आजम खां की खैरियत पूछी। अगर चुनाव नहीं होता, माध्यमिक चुनाव का ये दौर दौरा नहीं होता और भाजपा से सपा की कश्मकश की लड़ाई नहीं होती तो शायद अखिलेश यादव रामपुर आजम खां की खैरियत पूछने नहीं जाते।